हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षिल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल सी जी पी एस सी ई ज्ञान में, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स लेक्चर पार्ट टू, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। इससे पहले का जो हमारा पहला लेक्चर था इकोनॉमिक्स के सीरीज़ में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के सी जी पी एस सी के प्रीलिम्स और मेंस कोर्सेज के पेड कोर्सेज को www.visualcard.com पे जाके खरीद सकते हैं। तो जाइए और हमारे नोट्स को ज़रूर देखें। चलिए अब स्टार्ट होता है हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए, अर्थव्यवस्था या फिर जो इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री के, उसकी टोटल तीन प्रकार होते हैं। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो प्रकार होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना, वो पूंजीवादी और राज्य अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है। तो सबसे पहले आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो बाज़ार पे या मार्केट पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसे बाज़ार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसका उद्भव कैसे हुआ, मतलब जो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हमको सबसे बारे में कहाँ पढ़ने को मिला, मतलब सबसे पहले कहाँ उसके बारे में हमको पढ़ने में मिला, या फिर किस स्कॉलर ने या किस ज्ञानी ने उसके बारे में बताया। तो एडम स्मिथ एक लेखक थे, उनकी एक किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसी से माना जाता है कि विकास हुआ था इस कॉन्सेप्ट का, लाइक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है उसी किताब से उसका उद्भव हुआ था, ठीक है। एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था, अदृश्य हाथ का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है इनविजिबल हैंड्स। बाजार अपने तरीके से ही चलता रहता है, मतलब बाजार को चलाने के लिए एक अदृश्य हाथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम बाजार में चलता रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता, बट उसी सिस्टम की वजह से पूरा का पूरा जो है अर्थव्यवस्था जो है किसी भी जगह की चल रही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सरकार की कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं होती है, एवं सभी वस्तुओं को जो है, मतलब जितने भी वस्तु होते हैं और सेवाएं होती हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनका जो उत्पादन है कौन करता है, निजी से क्षेत्र करता है। जैसे प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो कोई भी वस्तु उत्पादित करती हैं या फिर कोई भी सेवा प्रदान करती हैं, ठीक है। और कोई भी अर्थव्यवस्था में उस सामान का या फिर उस सेवा का कितना मात्रा उनको प्रोड्यूस करना है या फिर उसका बाज़ार में कीमत कितना रखना है, ये सारी चीज़ें बाज़ार अपने आप नियंत्रण करता है। जैसे हम लोगों ने एक मांग और पूर्ति का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले क्लास में, तो अगर मांग ज़्यादा है तो और प्रोडक्शन कम है या उत्पादन कम है तो उस चीज़ की जो कीमत है वो ज़्यादा होगी। अगर मांग कम है लेकिन अगर आपका उत्पादन ज़्यादा हो चुका है तो उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके का जो है बाज़ार ही डिसाइड करता है कि किस चीज़ की कीमत क्या होगी, ठीक है। और इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ज़्यादा, सरकार जो है उसका बहुत कम चीज़ों पे कंट्रोल रहता है। तो उसका एक उदाहरण है आपका अमेरिका। फिर आता है राज्य अर्थव्यवस्था। देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, जब मतलब सरकार के हाथों में जो है अर्थव्यवस्था होती है उसे हम बोलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। इसके दूसरे नाम हैं समाजवादी व साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मतलब सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इसका उद्भव कब हुआ था, बोल्शेविक क्रांति, जो 1917 में रशिया में जो क्रांति हुई थी बोल्शेविक क्रांति, माना जाता है कि उसी के बाद इस राज्य अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ था। ये जो है पूंजीवाद का विरोध करती है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का विरोध करती है कि निजी संपत्ति लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। जो निजी कंपनियां होती हैं या फिर जो बाज़ार होता है उनसे जो है चीज़ों की कीमतें, सेवाओं की कीमतें नहीं जो है आधारित होनी चाहिए, बल्कि राज्य का ये काम होना चाहिए कि लोगों को जितनी भी वस्तुएँ चाहिए सरकार जो है ठीक मात्रा में, कम मात्रा में लोगों को प्रदान करे, अकॉर्डिंग टू दिस राज्य अर्थशास्त्र, ठीक है। प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन की सभी गतिविधियों को सरकार द्वारा तय किया जाता है इस राज्य अर्थव्यवस्था में, ठीक है।
इसमें ये जो मांग आपूर्ति या फिर बाजार की शक्ति, कंपटीशन या प्रतियोगिता, इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता इस अर्थव्यवस्था में, ठीक है। उदाहरण है आपका चीन और रूस। देखिए, अब राज्य अर्थव्यवस्था के भी दो पार्ट हैं, एक है समाजवादी जो कि आपको रशिया में देखने को मिलेगा, और दूसरा होता है साम्यवादी जो हमको चीन में देखने को मिलता है। अब आपका तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या हुआ था, 1929 की जो महामंदी आई थी या फिर ग्रेट डिप्रेशन आया था, जबकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मंदी छा गई थी अमेरिका में, तो उसके समाधान के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री एक थे जॉन केन्स, उनके विचार के हिसाब से मिश्रित अर्थव्यवस्था का उत्पादन हुआ। इसका मतलब ये होता है जिसमें सरकार और जो निजी कंपनियां होंगी दोनों का ही रोल रहेगा आपका अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इसमें आर्थिक संसाधन एवं उत्पादन पर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों का ही स्वामित्व होता है, ठीक है। इसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सरकार के नियंत्रण में भी होती हैं और निजी क्षेत्र के भी नियंत्रण में होती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका उत्पादन सरकार करती है, उसकी कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निजी कंपनियों पर छोड़ दी जाती हैं और बाज़ार के उतार चढ़ाव के हिसाब से उसकी कीमतें, मात्रा, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। इस प्रणाली में प्रशासित मूल पद्धति जिसमें उत्पादों का मूल निर्धारण बाजार के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा होता है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं या फिर जो एकदम आधार मूल चीज़ें जो लोगों को चाहिए होती हैं गुजर बसर करने के लिए, उसकी मात्रा, उसकी कीमत जो है वो सरकार तय करती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है जो सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देती है। जैसे ये समझ लीजिए, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो निजी कंपनियाँ प्रोड्यूस करती हैं लेकिन उसका कीमत भले ही मार्केट में कितना हो, उसकी आधी कीमत सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट हमको दे देती है। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करती है। तो ये भी होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल। उदाहरण, 1940 में पहली बार फ्रांस द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने जो है अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार देख लिए, क्या क्या होती हैं, राज्य व्यवस्था, पूंजीकरण और मिश्रित, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स होते हैं या फिर क्षेत्रण होते हैं, जो कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं अब आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे रिवाइजिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।